Welcome all, this is Himanshu Agrawal. I'm here with the topic Modern Indian History, Muhammad Shah, or also named as Roshan Akhtar Bahadur, from 1719 to 1748. Okay, so first point is, with the help of Peshwa Balaji Vishwanath, Sayyid brothers killed Farrukh Hoshiyar. Okay, you can watch the video over the topic Farrukh Hoshiyar. Okay, the previous video was about Farrukh Hoshiyar reign. And this video is, the further extension of the previous video. So, first point is, with the help of Peshwa Balaji Vishwanath ki madad lekar, help lekar, Sayyid brothers killed Farrukh Hoshiyar. Sayyid brothers ne Farrukh Hoshiyar ko maar diya. Theek hai? Assassination hua Farrukh Hoshiyar ka by Sayyid brothers with the help of Balaji Vishwanath. Second point is, now the kingmakers, Sayyid brothers, made the Roshan Akhtar, also named as Muhammad Shah, the emperor of India. Okay, the new emperor was, made by the kingmakers, Sayyid brothers, jo ki kehlate rahe, kingmakers kaun the? Sayyid brothers the. So the Roshan Akhtar, also named as Muhammad Shah, the emperor of India, kis period tak ke liye? 1719 to 1748 tak raha hai. Theek hai, iska range jo raha hai, 1719 se leke 1748 tak raha hai. Third point is, Sayyid brothers also made a lot of efforts to make friendly relations with all sections of the nobility. Sayyid brothers also made a lot of efforts. Unhone kafi sare aise prayas kiye hain jisse ki friendly relation establish ho sake within the all sections jo ki us samay exist karte the, jitne bhi unki nobility thi, yani ki jo unko mante the, jo सैयद ब्रदर्स के नोबल थे, ठीक है, उनके रिगार्डिंग फ्रेंडली रिलेशन रखना एक पॉलिसी के तौर पे सैयद ब्रदर्स के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया था. इवन दो देयर इज अ पावरफुल ग्रुप ऑफ नोबल्स लेड बाय निजामुल मुल्क एंड मोहम्मद अमीन खान वर इंडल्ज्ड इन द वेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, फिर भी मतलब इस चीज के बावजूद भी, डिस्पाइट बोथ द पावरफुल नोबल्स निजामुल मुल्क एंड मोहम्मद अमीन खान वर इंडल्ज्ड इन द वेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सैयद ब्रदर्स मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल सेक्शंस ऑफ द नोबिलिटी. ये भी आप कहेंगे. फोर्थ पॉइंट इज, देयर वाज थिंकिंग प्रिवेल्ड इन द माइंड्स ऑफ किंगमेकर्स. किंगमेकर्स के माइंड में एक थिंकिंग प्रिवेल कर रही थी, एक सोच पैदा हो रही थी, ठीक है, नोबल्स एंड किंग हिमसेल्फ, दैट इफ द एम्परर कुड बी किल्ड, अगर एम्परर भी मारा जा सकता है, व्हाट सेफ्टी वाज देयर फॉर मेयर नोबल्स, नोबल्स के लिए क्या सेफ्टी है, ठीक है. तो वो चीज है कि देयर वाज थिंकिंग प्रिवेल्ड इन द माइंड्स ऑफ द किंगमेकर. उस टाइम पे किंगमेकर्स और नोबल्स और के बीच के दिमाग में, कह सकते हैं, एक सोच पैदा हो रही थी कि अगर खुद एम्परर ही मारा जा सकता है तो नोबल्स के लिए क्या सेफ्टी है. फिफ्थ पॉइंट इज, टू गेट रिड ऑफ द कंट्रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स. सैयद ब्रदर्स से नियंत्रण को हटाने के लिए, लाइक सैयद ब्रदर्स से छुटकारा पाने के लिए, मोहम्मद शाह सक्सीडेड इन किलिंग देम इन 1720. अब देखिए, सैयद ब्रदर्स ने ही मोहम्मद शाह को एम्परर बनाया, किंग मेकर वही थे, बट ये मोहम्मद शाह के दिमाग में था कि एम्परर अगर खुद मारा जा सकता है, फर्रुख हुशियार एम्परर था जो कि सैयद ब्रदर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ मार दिया गया, तो मोहम्मद शाह के दिमाग में ये बात थी कि अगर एम्परर खुद मारा जा सकता है तो नोबल्स के लिए क्या सेफ्टी है. तो टू गेट रिड ऑफ द कंट्रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स, मोहम्मद शाह सक्सीडेड इन किलिंग देम, मोहम्मद शाह सफल हुआ उनको मारने में इन 1720 विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल नोबल निजामुल मुल्क, ऑल्सो नेम्ड एज कमरुद्दीन सिद्दीकी निजामुल मुल्क आसफ झा, ये इसका पूरा नाम था. निजामुल मुल्क का अगर पूरा नाम एग्जाम्स में पूछा जाए तो आपको बताना है, कमरुद्दीन सिद्दीकी निजामुल मुल्क आसफ झा, कमरुद्दीन सिद्दीकी निजामुल मुल्क आसफ झा, ठीक है, ये बताना. तो 1720 में मोहम्मद शाह, रोशन शाह अख्तर कह सकते हैं, वो सफल हुआ सैयद ब्रदर से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल नोबल निजामुल मुल्क, ऑल्सो नेम्ड एज कमरुद्दीन सिद्दीकी निजामुल मुल्क आसफ झा. सिक्स्थ पॉइंट इज, वी कैन सी द रूल ऑफ मोहम्मद शाह और रोशन अख्तर बहादुर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नियरली 30 years. 30 सालों तक देख सकते हैं हम उसका रूल, मोहम्मद शाह का, रोशन अख्तर बहादुर का, ठीक है, 1719 टू 1748. ये आपको याद रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1719 टू 1748, आफ्टर द फॉल ऑफ द सैयद ब्रदर्स.
Seventh point is, in this period, Mughal Empire was still held in high pride and esteem and army was strong enough to reckon with. ये बोला जाता है कि मोहम्मद शाह के रेन में, ठीक है, still Mughal Empire बहुत ऊंचा था और उसका esteem और pride काफी ऊंचा था और army ऐसी थी कि उससे लड़ाई करना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, तो army was strong enough to reckon with. Eighth point is, Maratha Sardars were restricted to the south. इसके reign में, मोहम्मद शाह और रोशन शाह अख्तर के reign में, Maratha restricted थे south तक ही. South तक ही उनको restricted रखा इस emperor ने, ठीक है. And Rajputs were still loyal to Mughals. So, Rajput जो थे, वो loyal रहे Mughals के. But after some time, powerful nobles started following the approach of making semi-independent states. ठीक है, but कुछ समय बाद, powerful nobles जो थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया किस अप्रोच को अपनाना स्टार्ट कर दिया फॉलो करना स्टार्ट कर दिया दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ अप्रोच कॉल्ड मेकिंग सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ठीक है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ एग्जांपल्स आपको पूछे जाएं कि सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे बनाए गए किनके द्वारा बनाए गए तो आप बोल सकते हैं दे कार्व्ड आउट हैदराबाद बाय निजामुल मुल्क हैदराबाद जो है निजामुल मुल्क के द्वारा बना दिया गया 1724 में मुर्शिद कुली खान carved out Bengal in 1717, Sadat Khan carved out Awadh in 1722. ये आप एक बार और देख लीजिए कि निजामुल मुल्क carved out हैदराबाद in 1724, मुर्शिद कुली खान जो था बंगाल के उसने carved out किया 1717 and Sadat Khan in Awadh in 1722 ये बना दिए गए आगे देखिए 10th point the act of terrorizing the emperor was again done in 1737 by बालाजी बाजीराव first okay sorry the act of terrorizing मतलब emperor को डराने का एक act दोबारा किया गया 1737 में by बाजीराव first के द्वारा in Delhi as a result of the Marathas northern expansion अब जैसे जैसे आप देखते हैं आगे बढ़ता है समय तो उसमें क्या है कि semi independent states बनने लगे plus मराठा power और strong होने लगी तो मराठा का expansion बढ़ गया north की तरफ तो मराठास का अगर एक्सपेंशन बढ़ा तो सबसे पहला जो अटैक मतलब दोबारा से जो अटैक हुआ एक्सपेंशन के बाद वो दिल्ली पे हुआ 1737 में बाय बाजीराव फर्स्ट एज रिजल्ट ऑफ द मराठास नॉर्थन एक्सपेंशन ठीक है डराने के लिए एम्परर को 11th नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739 अब देखिए ये इसके उसमें हुआ है 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे आक्रमण किया एंड डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ कारनाल करनाल की बैटल में मुगल्स को हरा दिया एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट एरियाज वेस्ट ऑफ द इंडस ठीक है और जो इंपोर्टेंट एरियाज थे इंडस के वेस्ट में ठीक है इंडस रिवर के वेस्ट में जो एरियाज थे उनको अनेक्स्ट कर लिया जोड़ लिया अपने साथ इंक्लूडिंग काबुल टू द पर्शियन एम्पायर काबुल को पर्शियन एम्पायर में जोड़ दिया गया आप आगे देखिए 12th पॉइंट इज आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ नादिर साहब नादिर शाह का असैसिनेशन हुआ 1747 में किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज चूजन एंड ही वाज अहमद शाह अब्दाली को किंग ऑफ अफगानिस्तान नियुक्त किया गया अब्दाली इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द मुगल एम्पायर 7 टाइम्स फ्रॉम 1748 टू 1767 इस तरह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन काफी हद तक हो चुका कि जब अहमद शाह अब्दाली बनाया गया तो उसने 7 बार इन्वेड किया मुगल्स को ठीक है लूटा और मतलब 1748 से 1767 तक ये जो प्रोसेस था चलता रहा ठीक है आई होप यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव वैल्यूएबल सपोर्ट वी विल कीप अपलोडिंग न्यू वीडियोस ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ओके थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो